everyone, welcome back to my channel The Golden Bliss and my name is Sonal Rajput. So aaj hamare sath mumma bhi hai. Hi bolo. Hi. Kyunki aaj we are going to pack Komal ke birthday ka gift and this time hum log ne decide kiya hai ki hum kuch special karenge. इसलिए हम लोगों ने 23 गिफ्ट्स ऐसे खरीदे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मीशो. सो इफ़ यू गाइज वांट तो फिर मैं अलग से एक मीशो हॉल भी कर सकती हूँ बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ राइट हियर. लिख मैं भी दिखा सकती हूँ कि हियर आई हैव ऑर्डर्ड सो मेनी क्लोथ्स. सो या आई कैन डू दैट. तो फिर आज हम जल्दी से गिफ्ट रैप करेंगे. एक्चुअली वो भी ट्यूशन ले रही है तो उसे पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है लेकिन आवाज़ जा रही हो कि तो नहीं पता. सो इसलिए अभी हम फटाफट से गिफ्ट रैप करेंगे. यहाँ पे सब गिफ्ट रैपिंग के लिए हमने रखा. सो हमने और थोड़ी मेकअप का सामान मंगाया था मीशो से और बाकी के जो इयर रिंग्स सब है वो सब हमने छोटे से लोकल स्टोर से ले लिया था. सो वी आर हैविंग क्वाइट लॉट ऑफ स्टफ तो हम उसे 23 गिफ्ट्स बना के दे सकते हैं. अभी जैसा आवाज़ आ रही है फिलहाल बट या लेट्स गेट स्टार्टेड. हम उसके बर्थडे के लिए बर्थडे मैसेजेस रिकॉर्ड करें क्या आपको उसका अलग से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग. पहले उसके पहले इसमें इसमें हाँ छोटे वाले पहले छोटे वाले का. आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर माई बर्थडे लेकिन मेरे बर्थडे के लिए अभी बहुत टाइम है. अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है. मेरे बर्थडे पे तो मुझे 18 तारीख सीजर में ये कटर लाई हूँ मैं. कटर से कोई थोड़ी ना काटता है. सीजर लेकर कोमल नहीं आएगी यहाँ पे. पहले क्या रैप कर रही है ये अलग अलग इसको मत कैसे हम दोनों का गिफ्ट रैप करने नहीं आता है. पहली बात तो ये सब कोमल करती है पैक. ये सब हमने इस बार यही सोचा था कि वो हमेशा हमारे लिए करती है तो इस बार हम लोग काम करें लेकिन हम दोनों को गिफ्ट रैप करने नहीं आता. लेकिन हम सीख जाएंगे. हमेशा गिफ्ट कोई भी रैप करना होता कोमल ही कोमल ही करती है. एक्चुअली उसने हमें बोला था उसको बस इतना पता है कि हम उसके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं और उसको इतना भी पता है कि हम छोटी मोटी चीज़ भी दे रहे हैं. तो उसने हमें ये बोल रखा था अगर तुम लोग एक छोटी सी इयर रिंग भी लाओगे तो भी मुझे उसको अलग से रैप करके देना. उसको हर एक चीज़ अलग से चाहिए. तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग अगर एक कुछ भी लेंगे तो उसको अलग से ही रैप करके देंगे तब जाके उसको 23 से भी ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे. उसने बोला था उसकी डिमांड थी. उसको ये नहीं पता गिफ्ट्स क्या है क्योंकि उसने देखा नहीं है. एक्चुअली हमने उसकी बर्थडे ड्रेस भी ऑर्डर की थी लेकिन वो एकदम फ्लॉप थी क्योंकि बहुत खराब मटेरियल था उसका. एकदम कहना कपड़ा था चुन्नी जैसा चुन्नी जैसा भी नहीं एकदम बेकार बहुत गंदा था. तो भी कर दी जो कि पूरी यहाँ से खराब हो चुकी. चलो क्यूट लग रहा है क्या से थोड़ी बिगड़ी है लेकिन ओके. सो हमने फाइनली 23 गिफ्ट्स पैक कर लिए हैं एंड ये है सारे गिफ्ट्स. एक्चुअली 23 नहीं ये ज़्यादा हो गए. वो पूरे 25 गिफ्ट्स हो चुके हैं बट इट्स ओके. और हमने यहाँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें पैक करी है इसकी पैकेजिंग थोड़ा आप माइंड नहीं करना. मतलब हमने बहुत मेहनत की है इन छोटी छोटी चीज़ों का पैक करने के लिए बट इट इज़ व्हाट इट इज़. एंड ये सब हमने मम्मी आवाज़ क्यों कर रही हो
ये सब हमने अच्छे से पैक करा है बिकॉज वी आर एक्सपर्ट. और ये तो ऐसा लग रहा है हम बच्चे किसी ने रैप किया, बट चलता है सब कुछ चलता है. एंड में तो गिफ्ट ओपन ही करना है और भी यहाँ गिरे हुए हैं. दो और कपड़े बचे थे लेकिन फिर हमने सोचा छोड़ो उसको डायरेक्टली दे देंगे क्योंकि वो 25 से भी फिर ज़्यादा हो जा रहे थे. सो या इतने सारे गिफ्ट्स, आई होप यू विल बी एक्साइटेड. ऐसा लग रहा है मैं थैंक्स गिविंग के लिए जा रही हूँ इतने सारे गिफ्ट्स लेके बांटने के लिए. बट ऑप्स लेकिन दिस इज सो गुड. आई होप यू विल बी हैप्पी कोमल. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. आई नो तेरे बर्थडे को 2 दिन बाकी है एंड आई हैव अ मैसेज फॉर यू कि स्टॉप इरिटेटिंग. अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है और अभी कोमल का बर्थडे है. जब हमने इतना मेहनत से जो गिफ्ट पैक किया हमने सोचा कि हम उसको आधे गिफ्ट अब भी दे देंगे. ओ 12 बज के ओ ये क्या है, रूम ही बंद कर लिया. ये क्या, ये चीटिंग होती है. घर खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोल कोमल. हैप्पी बर्थडे को मिलिया 12 बजे नहीं कि फोन आना चालू. अभी कल आज के दिन कोमल बिजी रहे. अभी हमको कौन, मम्मी और सोनल ने पापा ने दरवाजा ही बंद कर दिया 12 बजते ही. बोला कि कोई विश नहीं करेगा, मैं पहले विश करूंगा. तो पापा सबसे पहले हम लोग कब से वेट करते, 1 मिनट है 2 मिनट है करके. और पापा ने दरवाजा बंद कर दिया. आपको इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? बर्थडे गर्ल, आप अपना गिफ्ट खोलना चाहोगे? ये डब्बा यार, ये क्या है? हमने इतना मेहनत से पैक किया था, गंदा किया था, लेकिन फिर भी फाड़ने का मतलब क्या? वाह, इसको मेरे सामने वक्त पे मुझे शर्म आती है. मैंने क्या क्या लिखा है पता नहीं. वाह, वर्क कम्स फर्स्ट. पहले ये जो हमारी इतनी मेहनत से किए गए गिफ्ट पैकिंग है. हम दोनों को नहीं आता था, दोनों को नहीं आता. कोशिश जल्दी जल्दी हमने कोशिश बहुत की. इसमें मैं गेस कर क्या होगा कोमल, इतनी महंगी गिफ्ट तूने खोली. हाँ खोल, थोड़ा सेलिब्रिटी मोमेंट खोल. चल कितनी मस्त है, तुझे पसंद आई? पता है तुझे, हम लोग सोचे तुझे नहीं होगी. सुन देखो, पता है हम लोगों ने, मुझे नहीं हो रही ना तो मैं सोची कि टाइट होगी. पापा के चंगुने हो रही, सुन ना इसको लेने. कोई मेरी सुनता ही नहीं है इस घर में, मुझे अबैंडेंट कर दिया. बर्थडे तो फिर छोटी बेटी को भूल जाते लोग. इनका क्या हुआ था, मैंने और पापा ने एक दो रिंग ट्राई करी, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद इसको देख लिया ना, तब से सारी रिंग ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी वही रिंग पहन रहे. कोई तो सुन भी नहीं रहा है फिर भी. पसंद आई है? हाँ मस्त है ना, एक ही बार में पहले फिर सब देखते जा रहे. नहीं पसंद, जो चीज पसंद आता. मैंने और पापा ने दोनों ठान लिया था यही अच्छी है. ऐसे में भी थी ना, जैसे मैंने गले में पहनती हूँ ना वैसी भी थी. फिर हमने सोचा कि ये ज्यादा अच्छी है. ये
क्या मैंने भी मेहनत करी है ये पैक करने में, तो आज भाई हमारी तो हालत खराब हो गई थी मेरी और मम्मी ने, तो दो नासिकिये थे ना, दोनों को नहीं आता था, ना मुझे आता था ना मम्मी को आता था पहनने उसके अंदर। तो इतना बड़ा थोड़ी ना था वो, दो ये दो है गिफ्ट रैपर, कटिंग कर कर के किया ये सब तो है ना। बचे वो सब कल मिलेंगे, तुझे पसंद आएंगे वो सारे सब पसंद। अभी सर से क्लिप हटा सकती है, पूरे वीडियो में तुझे लगाई है, इतनी सुंदर दिख रही है। ये कितना क्यूट है, हम दोनों ने एक एक उठा लिया। हाँ पता है, हम दोनों सब कुछ सेम उठा रहे थे, लेकिन बस इतना फर्क हो रहा था, शेप का फर्क था बस, लेकिन हम मैं और मम्मी सब कुछ सेम उठा रहे। मेरा भी बर्थडे अप्रैल में, 10 अप्रैल। गाइस मेरा 10 अप्रैल को बर्थडे, सब मुझे विश करना। नहीं वही बजाती रहती थी हर समय, पर मेरे को असली फोन चाहिए, दूसरी अभी नहीं असली बर्थडे। ये वीडियो प्रूफ वीडियो है कि 10 अप्रैल को मुझे फोन मिलने वाला है, मिलना चाहिए। फोन मिल जाएगा उसमें क्या है? देखो ये इंसान मेरे पापा, इन्होंने वर्डिक दे दिया है, तो मैं मेरे बर्थडे के दिन ये क्लिप लगाऊंगी और जब मुझे फोन मिलेगा तो मैं बताऊंगी कि पापा ने मुझे बोला था। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need. Happy birthday to you.
इलास्टिक है तो नहीं क्या होगा।